नमस्कार बच्चों, राधे राधे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? इज एवरीथिंग ओके बच्चों? ऑडिबल, विजिबल, कैन यू ऑल हियर मी? सभी को आवाज आ रही है क्या? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम बच्चों। एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं बच्चों अपन, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। और सब बताओ कैसे हो बच्चों? आई होप सबकी होली बढ़िया रही होगी। बस स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें बच्चों, भी मौसम ऐसा चल रहा है थोड़ा। एक बार शेयर कर देना जितने भी ग्रुप्स है अपने, उनमें है ना, लिंक को कॉपी करके। ऑल ओके, चलो बच्चों शुरू करते हैं अपन दोनों। तो इक्वेशन आज हमने शुरू भी किया एक बैच में, नए वाले बैच में, द्रोणाचार्य बैच में ना, फिर फाउंडेशन बैच है ना। तो आप ऐसा भी ना समझे कि इसका किसी बैच से वो लिंक है, बस थोड़ी और हम प्रैक्टिस कर पाए इसके लिए वाईटी सेशंस होते हैं बच्चों, तुम सबको पता है। हाँ गुंजन बेटा, आप लेंगे ना दो दो सेशन लेंगे 1 अप्रैल से। तुम्हारा एक दोपहर में भी सेशन होगा बच्चों, एक जनरल मैथ्स के लिए भी होगा, एक हायर मैथ्स के लिए भी होगा, है ना। यानी कि 3 आपके वाईटी सेशन मैथमेटिक्स के होंगे, है ना, 2 हायर मैथ्स के और एक एक आपका जनरल मैथ्स 1 अप्रैल से, है ना। चलो बच्चों आइए ना, लेट्स स्टार्ट। इक्वेशन के लिए बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर इक्वेशन है ना, इंग्लिश में कर दूंगा चिंता मत करना। ऑल फोर रूट्स आर रियल, टू रियल एंड पॉजिटिव, टू रियल एंड नेगेटिव, टू रियल एंड विद अपोजिट साइन, है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो कोई बात नहीं युवराज, अभी कुछ पढ़ा नहीं है तो फिर भी तुम कर पाओगे क्वेश्चन, तो ट्राई तो करो। नहीं आएगा मैं समझाऊंगा ना। कुछ बच्चों ने डी ऑप्शन बोला, बच्चों ध्यान से समझो ना। एक डेस्कार्टेस रूल होता है ना, डेस्कार्टेस है ना, डेस्कार्टेस जो साइंटिस्ट का नाम है, डेस्कार्टेस ने बच्चों ये बताया कि किसी भी इक्वेशन में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कैन बी, यानी कि उनकी संख्या कितनी हो सकती है, कितनी होगी नहीं, कितनी हो सकती है, एंड मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट, ये उसने बताया ना। तो इसका तरीका मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे अपन पहचानते हैं। देखो गिवन फंक्शन हमारे पास एक्स का एक तरह से है ना, है ना। तो इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों कि इसमें अगर हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स देखना है ना, टू गेट नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स, तो इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितनी बार हो रहा है। तो इसमें हम देखें तो केवल एक बार साइन चेंज हो रहा है बच्चों, ओनली वन टाइम। तो हम क्या बोलेंगे, वन पॉजिटिव रियल रूट, सबसे पहली बात। अब नेगेटिव रियल रूट चेक करने के लिए हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, उसके बाद हम नंबर ऑफ साइन चेंजेस हम देखते हैं ना। तो एक्स को जब मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा बच्चों यहाँ पे, है ना, तो पहले वाले में तो फर्क पड़ने वाला है बिल्कुल नहीं है, सेकंड वाले में फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इवन पावर है, थर्ड वाले पड़ेगा माइनस का 7x माइनस का 11। तो सर यहां भी साइन चेंज तो एक ही बार हो रहा है, ओनली वन टाइम। हम क्या बोलेंगे, एटमोस्ट वन नेगेटिव रियल रूट, है ना। इसका मतलब टू रूट्स आर रियल एंड विद अपोजिट साइन, हम बोल देंगे डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे सेंड आउट में, डोंट वरी, प्रैक्टिस बहुत आराम से हो जाएगी, है ना। अब यहां पे देखो बच्चों ना, सर दो रूट्स हो गए रियल, बट आपने बोला था कि व्हेन वेरिएबल हैज मैक्सिमम पावर 4 या 2 या 3 या n, तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन n होते हैं। तो देयर आर टोटल 4 वैल्यूज ऑफ x विल सेटिस्फाई दिस, है ना। तो इसका मतलब सर यहाँ पे दो वैल्यूज होगी, वो इमेजिनरी होगी, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स कैन बी 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कैन बी 2, गॉट इट। तो यहाँ पे आ जाएगा वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, टू रूट्स रियल विद अपोजिट साइन, ध्यान से देखिएगा ना।
अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्वेशन के सभी वास्तविक मूलों की संख्या, नंबर ऑफ ऑल रियल रूट्स वी हैव टू फाइंड आउट, नंबर ऑफ ऑल रियल रूट्स वी हैव टू फाइंड आउट। तो अभी जो मैंने तुम्हें तरीका बताया, एक बार तुम उससे करके देखो। पहले डायरेक्टली इस इक्वेशन में नंबर ऑफ साइन चेंजेस देखो कितनी बार हो रहा है, उससे हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स आएंगे। फिर इसी इक्वेशन में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखो नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितनी बार हो रहा है ना। हालांकि इस क्वेश्चन में नीड नहीं है, इसमें तो डायरेक्टली सर हम देखते बता सकते हैं नन ऑफ दीज, यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, जीरो। बट एक बार तुम जो मैंने अभी तरीका बताया उससे करके देखो। देखो अप्लाई करके सारे बच्चे डी आर अगेन है ना, क्योंकि सर ये सबके पास इवन पावर है और इसके सॉल्यूशन के लिए इन तीनों का मिलकर माइनस सेवन होना जरूरी है, तभी माइनस सेवन प्लस सेवन जीरो होगा, और इस जन्म में तो कभी हो नहीं सकते बिकॉज एनी इवन पावर यानी परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो, मतलब इवन पावर है तो सॉरी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव तो कभी होने सर मिनिमम वो जीरो हो सकता है, तो जीरो से कम कभी होगा नहीं, माइनस सेवन कभी होगा नहीं, तो रिजल्ट विल बी जीरो, नो सॉल्यूशन। और आप देखो साइन चेंजेस प्लस में एक बार भी नहीं हो रहे, नो पॉजिटिव रियल रूट्स। मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा तो कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि सारी इवन पावर्स है, बात समझ रहे हो, तो नो नेगेटिव रियल रूट्स, तो मतलब रियल रूट तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा ना बचपन में, ठीक है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट, इफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन इक्वेशन के रूट्स हैं, मूल यानी रूट्स होता है बच्चों ना, देन अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन, इन सब यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ रहा है, तो इसके डाउट्स आप मेरे से कल फाउंडेशन बैच में पूछेंगे, द्रोणाचार्य बैच में पूछेंगे बच्चों ना, तो करो आराम से, मतलब अगर वैसे मैं डाउट्स तो लूंगा तुम्हारे एंड टू एंड पढ़ा ही रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई बात कम समझ में आती है तो दोबारा सेशन देखना, फिर भी कोई बात रह जाती है तो एप्लीकेशन में कल आप मेरे से पूछिएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट लाइव कॉन्वर्सेशन नहीं चल पाती बच्चों, 20-25 सेकंड का गैप रहता है ना। पढ़ी कुछ पार पढ़ी, देखो बच्चों बहुत बेसिक सी बात है यहाँ पे ना, जब भी nth टर्म का कुछ भी आता है, तुमने मेरे बहुत सारे सेशन देखे होंगे बच्चों, मैंने सब में एक ही बात बोली, जब भी nवी फॉर्म में कुछ आए, जनरल फॉर्म में क्वेश्चन कुछ बोले हमारे को, बोतल लगे पानी की है ना, तो हमें उसमें चाहे सीरीज हो चाहे इक्वेशन हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, है ना, हमने कोई एग्जाम्पल लेकर उसको सॉल्व किया हमेशा ना, उसको जनरल वे में हमने सॉल्व नहीं किया। तो यहाँ पे देखो बच्चों ना, एक बात मैंने तुम आज पढ़ाई भी थी, एक बार और देखो सारे बच्चे, बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, है ना, इसके दो रूट्स हैं, कौन कौन से हैं बताओ, अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी अपॉन ए, ठीक है, पहली बात। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, देयर आर थ्री रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी माइनस बी अपॉन ए, समेशन ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इस सी अपॉन ए, फिर बात आती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस का डी अपॉन ए, है ना। तो यहाँ पे एक बात समझो बच्चों तुम, है ना, सम ऑफ रूट्स तो एक कम डिग्री के नेगेटिव का नेगेटिव कोफिशियंट अपॉन हाईएस्ट डिग्री का कोफिशियंट, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हाईएस्ट डिग्री पे, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री इवन है, टू है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी पॉजिटिव, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री थ्री है, ओड है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी नेगेटिव। जैसे मैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूंगा एक्स की पावर फोर वाली, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो आएगा पॉजिटिव, है ना, पावर फाइव वाली लेंगे तो फिर क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव। तो कहने का मतलब हमेशा एक बात ध्यान रखो बच्चों तुम, कि क्यूबिक तक तो ये पूरा चलता है, जब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है फिर वहां से सम ऑफ रूट्स ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही काम आता है और कुछ काम नहीं आता चलो वहां पे, है ना। तो हमें क्या देखने को मिला कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इवन ओड पे डिपेंडेंट है, है ना, अगर मैक्सिमम पावर तीन है ओड है तो नेगेटिव हो रहा है, इवन है तो पॉजिटिव हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है देखो लास्ट का जो कोफिशियंट हमारा होगा
अपॉन इसका कोफिशियंट, इसका कोफिशियंट कितना है, 1 है, मतलब 1 को डिवाइड करके कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे हम। अभी -1 की होल पावर n लगाना इसलिए जरूरी है, भाई इवन होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, ऑड होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। आप कोई भी न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके भी इसको समझ सकते हैं बच्चों ना, ठीक है, इज दैट क्लियर बच्चों? बोलो भाई बोलो, मेरे हिसाब से मेरी भावनाएं तुम्हारे समझ आ गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसलिए हमने वहां पे -1 की होल पावर एन वाले ऑप्शन पे टिक किया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ कॉन्स्टेंट अपॉन हाईएस्ट का कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट है ना। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है देखो, इफ α1 α2 α n इक्वेशन के रूट्स है, मूल है ना? तो 1 -α1, 1 -α2, 1 -α n है ना, ये हमें निकालना है बच्चों। मूल, जीरो, शून्य, रूट, सॉल्यूशन, ये सब वो वैल्यूज होती है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई 101% करेगी। यदि मैं बोलूँ कि 1 किसी इक्वेशन का रूट है ना, तो x-1 विल बी 100% ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन है ना। यदि x-2 किसी का फैक्टर है तो 2 x का मान 2 रखने पर वो सेटिस्फाई करेगा है ना। अभी इतना सा हिंट काफी है इस क्वेश्चन के लिए, अटेम्प्ट करो सारे बच्चे। स्टार्ट, मैक्सिमम बच्चे सी बोल रहे हैं, 2। वेरी गुड बच्चों ना, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट क्वेश्चन था बच्चों ना, कि अगर α1 α2 ये सब इसके रूट्स हैं तो एक्स की पावर एन प्लस 1 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, x-α1 होंगे नहीं होंगे, x-α2, यस, x-α3, x-α n। अरे एक छोटा सा एग्जांपल लो बच्चों, मैं इक्वेशन ले लू x²-5x+6, इसके रूट्स है 2 और 3, तो 100% x-2 और x-3 इसके फैक्टर्स होंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये 100% आ रहा होगा, आप चेक कर लो, शत प्रतिशत आ रहा होगा। सॉरी, अब जो क्वेश्चन की डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्स को 1 से रिप्लेस कर दो, इतनी सी बात है बस। तो यहाँ 1 की पावर n 1 हो जाएगा, तो 2 आ गया, इधर कितना आ गया, 1 -α1, 1 -α2, 1 -α3 है ना, 1 -α n, क्वेश्चन फिनिश्ड, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बच्चों बात समझ में आई तुम्हारे सभी के, जल्दी बोलो भाई। नेक्स्ट, उसी पर उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा एंड 1 इक्वेशन के रूट्स हैं, तो x-1 -α, 1 - β, 1 - γ। स्टार्ट, पेन चलाओ सारे बच्चे। शेयर भी कर दिया करो बच्चों, बना वाले जनरल बैच भी स्टार्ट होगी 1 तारीख से ना। CA, चलो देखते हैं ना भाई, ये इसके रूट है अल्फा बीटा गामा और 1 है ना, तो यानी कि x⁴-1 को हम लिख सकते हैं बच्चों, x-α, x-β, x-γ और x-1। बोलो हाँ या ना, ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों, को दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना, डायरेक्ट यहाँ पे अगर तुम 1 से इसको रिप्लेस कर देते हो तो फंस जाओगे, क्योंकि तो यहाँ 0 0 हो ना, चक्कर पड़ जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, 0 0 कभी कैंसिल होता नहीं है। एक्स की पावर 4 -1 अपॉन x-1, इधर आ गया x-α, x-β, x-γ। अब डायरेक्ट 1 लगाते हो तो इधर 0.0 फॉर्म बन गए बच्चों, यहाँ पर एलजेब्रा फेल हो रही है, तो कैलकुलस स्टार्ट करो बच्चों। तो हम x इज इक्वल टू 1 की जगह x टेंड्स टू 1 लगा देते हैं, तो टेंड्स टू 1 लगाते हैं बच्चों, इधर क्या आ जाएगा, 4x³, ठीक है, इधर 1 -α, 1 -β,
वन माइनस गामा है ना, एक्स की जगह तुमने वन रख ही दिया, तो ये लो जी रिजल्ट बिकम्स फोर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी तुम्हें करवाया था, उपमा अप्रैल में आ जाएगी बेटा, मिड अप्रैल है ना। देखो बच्चों, जिन्होंने फर्स्ट पेपर की बुक ली है दे आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड, अगर कोई बच्चे लाइव हो उनकी जिन्होंने बुक ली है तो प्लीज डू कॉमेंट, वो शिद्दत से बनाएगी है, थ्योरी एग्जाम्पल टाइप टाइप्स में डिवाइड कर करके, उनके अलावा कोई टाइप बचता नहीं है ना। तो सेकंड पेपर की बुक भी बच्चों बेहतरीन आएगी है ना, और सेकंड पेपर की बुक तुम्हें चाहिए भी कब, जो अपना 80% कोर्स फिनिश हो जाए। अभी तो यहाँ पर फोकस करो तुम पूरा, जो क्लासों में तुम पीडीएफ करवा रहा हूँ, आईटी सेशन पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, तो उस समय फिर जब अपना कोर्स, हाँ भाई अब कोर्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन, फिर हमारे पास दो ही काम रहेंगे, तो टेस्ट सीरीज है ना, तो अप्रैल एंड में अपन टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर देंगे बच्चों ने, तो टेस्ट देना है और उस बुक की प्रैक्टिस करनी है तुम्हारे को, उसको कुछ भी नहीं करना, फिर आनंद आ जाएगा बच्चों ना। ठीक है, एक्चुअली डिफरेंशिएट नहीं कर रहे बेटा यहाँ पे, एक्चुअली वन मैं यहाँ पे लगा दू डायरेक्टली है ना, समझो मेरी बात को ना, क्यों लिमिट लगा रहे हैं यहाँ पे है ना, वी आर नॉट डूइंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स है ना, केवल मैंने दोनों तरफ लिमिट लगा दी, तो यहाँ तो लिमिट लगाने पर ही आ जाएगा, अब वहां लिमिट लगाने पर मैंने तुम्हें तो बता दिया भाई डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दो सोल्व करने के लिए। या हमें पता है बच्चों x की पावर n माइनस a की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ले लो, चाहे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ले लो है ना, ए फोर माइनस बी फोर का फॉर्मूला ले लो। देखो एक सिमिलरिटी मैं तुम्हें समझाता हूँ, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी तो आएगा आएगा, एक एक डिग्री कम कर दो, ये तो चलो पहले से तुम्हें याद है, यहाँ पे आओ ए माइनस बी तो आना ही आना है, एक एक डिग्री कम कम कर दो, दो बची, ए स्क्वायर से स्टार्ट करो, जो पास्कल ट्रायंगल में मैंने तुम्हें सिखाया था, ए को एक कम करो बी को एक बढ़ा दो, ऑल टर्म्स विल बी पॉजिटिव इन सेकंड ब्रैकेट, ए फोर माइनस बी फोर, ए माइनस बी तो आएगा आएगा, ए क्यूब से स्टार्ट होगा, ए को एक कम करो बी को एक बढ़ा दो, ए को एक कम करो बी को एक बढ़ा दो, ये लो जी आप आगे ए फाइव बी फाइव तक भी बना सकते हैं बच्चों, ऐसे भी कर सकते हो इसको, अगर तुम डीएल हॉस्पिटल ना लगाओ ना, ए माइनस बी ए फोर ए क्यूब बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी क्यूब बी फोर, ए की बात है क्या फर्क पड़ गया इस बात से, ठीक है हाँ फैक्टर्स करके कैंसिल कर दो, एक ही बात है। एक नंबर दे रहा हूं बच्चों, इस पर मैसेज कर देना आप अपनी एप्लीकेशन में, है ना नंबर है ऑनलाइन वाला, इस पे एक प्रोसीजर है, तुम्हें प्रोसेस बता दिया जाएगा, बुक पोस्ट कर दी जाएगी ना एप्लीकेशन में। देखो बच्चों एप्लीकेशन में एक बैनर लगा हुआ है बुक के लिए, सभी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, उस पे पूरा प्रोसेस है। तो अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है ना मेरे हिसाब से, फैक्टर्स करके कर लो, अब देखो यहाँ पर तुम फैक्टर करोगे ना तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, और वन रखोगे तो एक दो तीन चार आंसर आ गया तुम्हारा ना। चलो इक्वेशन का एक मूल वन रूट है ना, इस टू प्लस रूट थ्री देन अदर रूट विल बी, ठीक बताओ बताओ। वो तो आसान है भाई, देखो बच्चों ये जो मैंने आज ही तुम्हें पढ़ाया एप्लीकेशन में क्या होता है, यहाँ जब ये कोफिशियंट्स रियल होते हैं बच्चों ना, तो रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, अगर एक रूट टू प्लस रूट थ्री है, अगर सर्ड्स हैं इमेजिनरी हैं, तो फिर वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे एक रूट वन प्लस आयोटा है तो अदर रूट विल बी वन माइनस आयोटा 101%, लेकिन कब, इफ एंड ओनली इफ ऑल कॉफिशियंट आर रियल, बट अगर एक कॉफिशियंट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर हम कमिटमेंट नहीं कर सकते कि वो कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, इस बात का ध्यान रखना है इसके साथ ही, है ना। तो यहाँ एक रूट टू प्लस रूट थ्री तो दूसरा टू माइनस रूट थ्री होगा, तो ऑब्वियसली टू माइनस रूट थ्री इसकी वैल्यू होती है ना,
अल्फा बीटा गामा के रूट्स, अल्फा प्लस बीटा ये होता है ना रूट्स। स्टार्ट। यस उपमा। हाँ हाँ अब देखो बच्चों ध्यान से दोबारा ना, ये भी एक जनरल फॉर्म में क्वेश्चन हमारे पास आ गया ना। तो एक बात मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो याद तुम रखो चाहे ना रखो, बनाना बहुत आसान काम है। हम जिस स्पीड से टू की टेबल बोलते हैं उसी स्पीड से हम कोई इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक, है ना भाई। मैंने दो रूट ले लिए 1 और 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है ना। बट क्यूबिक इक्वेशन एक याद रखो बच्चों, आगे हो सकता है आज वाले हैंडआउट में काम आ जाए, एग्जाम में काम आए या प्रैक्टिस करते समय काम आया ना। तो एक क्यूबिक इक्वेशन हमारे को याद होने चाहिए, इसके रूट्स भी हमें याद होने चाहिए ताकि जनरल फॉर्म में कभी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर सके। तो एक बहुत ही काम आने वाली इक्वेशन है जिसके रूट्स 1 2 3 होते हैं बच्चों ना, कि तुम याद कर लो आज के बाद। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ। तो अब तुम्हें पता है बच्चों, जब क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास होती है तो हम क्या कैसे बनाते हैं इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ अल्फा बीटा, है ना, माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव साइन अल्फा बीटा गामा, ठीक है, बराबर 0, ऐसे बनती है। ये तो सम ऑफ रूट्स आ गया, ये समेशन ऑफ अल्फा बीटा आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। जैसे क्वाड्रेटिक में बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 है ना, वैसे यहाँ पे बनाते हैं। तो एक्स एक्स क्यूब माइनस 3 और 2 5 और 1 6 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणा 2 2 3 6 3 एकम 3 6 और 3 और 2 11 एक्स माइनस 3 दूनी 6। ये इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है जिसके रूट 1 2 3 होते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर, अपने रूम में चिपका दो याद रहेगी, बात समझ रहे हो। और 2 3 बार जब भी किसी क्वेश्चन में इसका यूज हो रहा हो तो इसको अप्लाई करना डायरेक्टली। देखो इस, देखो मैं ये नहीं कह रहा, एक मैथ्स वाले बच्चों में एक ईगोट वाली प्रॉब्लम हो जाती है, यू ऑल आर टीचर्स ऑल्सो बच्चों ने, तुम पढ़ाते हो स्कूल से मुझे पता है, कहीं बच्चा ना तो नहीं, हम तो मैथ्स को याद नहीं करते, हम तो समझते हैं, है ना, हम क्यों याद करें। तो बच्चों ये फिजूल बातें करोगे तो फिर तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास कर ही नहीं पाओगे, फिर जीवन भर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते रहो, है ना, क्या होता है बच्चों, हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। समझ लिया ना एक बार अपन ने, अब जिसको याद है उसकी बल्ले बल्ले है ना, वो कितना जल्दी कर पाएगा इस क्वेश्चन को। कॉम्परेटिव अप्रोच बोलते हैं इसको, है किसी को तो बोलते हैं अपन। देखो साफ साफ, अगर इक्वेशन याद है तो कंपेयर करो, पी का मान तो 6 आ गया, क्यू का मान 11 आ गया, सॉरी, और आर की वैल्यू बच्चों 6 आ गई। पी क्यू आर तुम्हारे पास आ गया, अल्फा बीटा गामा तुम्हारे पास है ही, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज रखो और पी क्यू आर की वैल्यू ऑप्शन में रखो, जिससे मैच हो जाए वही तुम्हारा आंसर है। तो बेटा मुझे याद दिलाती, मैं तो भूल गया। अरे याद थी क्या बच्चों तुम्हारे को, जिन्होंने पढ़ रखी थी, बताओ बताओ। अब याद कर लेना, कोई बात नहीं है ना, तो मैच करो फटाफट से, पी क्यू आर तुम्हारे पास सही, अल्फा बीटा गामा तुम्हारे पास सही, बस कितना कितनी आसान बात होगी बच्चों, करो। बताओ विच ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। पी क्यू माइनस आर, वेरी गुड बच्चों, शाबाश, है ना, ये मैच हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन, इक्वेशन के लिए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, करेक्ट स्टेटमेंट हमें पता करना है बच्चों ना।
तो बहुल मूल मतलब, बहुल मूल आई थिंक जो रिपीटेड रूट होता है उसके लिए बात कर रहा होगा, है ना। ओनली वन रियल रूट्स और नॉन रियल यानी कि इमेजिनरी रूट एबसेंट है ना। और पूर्णांक मूल अनुपस्थित है, इंटीजर रूट नहीं है इसमें कोई भी और इमेजिनरी रूट नहीं है इसमें कोई भी, ओनली वन रियल रूट है और कोई भी रिपीटेड रूट नहीं है। बताओ विच ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अभी अभी सर हमने पढ़ा, अब बताओ अभी काम आई नहीं, मैंने क्या बोला तुम्हारे को? हो सकता है आज वाले हैंड आउट में काम आ जाए आगे, हो सकता है एग्जाम में काम आए, तो आज ही काम आ गई है तो बच्चों ना। तो क्या था कि x³ - 6x² + 11x - 6=0। तो सर इसमें तो 1 2 3 ऑल रियल रूट्स, एक भी इमेजिनरी रूट नहीं है, तो सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर था। अब आओ यहाँ पे आओ बच्चों ना, इक्वेशन के रूट्स हैं, मैंने तुम्हें नेचर ऑफ रूट्स का तरीका बताया था, है ना। मैंने बोला था मूलों की प्रकृति नेचर ऑफ रूट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन b² - 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रियल, ऐसा मान मतलब डिस्टिंक्ट डिफरेंट एंड रेशनल। सेकेंड ऑप्शन इज रियल डिस्टिंक्ट इरेशनल। थर्ड ऑप्शन इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। फोर्थ ऑप्शन इज इमेजिनरी। बताएं तो b² - 4ac को देख लो, इसके b² कितना हो गया, 36 - 4ac, 4 3 12 12 24, तो 36 60। बताओ तुम ही बताओ क्या आंसर आएगा। मैक्सिमम बच्चे बी ऑप्शन बोल रहे हैं। बी आएगा, बहुत ही बढ़िया, ना बी नहीं होता तो फिर हम सी ऑप्शन को बोल देते हैं ना। चलो यस डिस्टिंक्ट एंड इरेशनल, शाबाश बच्चों। इक्वेशन के मूल धनात्मक पूर्णांक है, रूट्स आर पॉजिटिव इंटीजर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो एम का मान ज्ञात कीजिए। स्टार्ट। यस उपमा, थर्टीन का बताओ भाई। मैंने वो जो इसके रूट्स अगर पॉजिटिव रियल रूट्स है ना, तो इसका मतलब है ये बन गया हमारे पास mx+1 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन ने m की वैल्यू पूछी है ना, तो mx = -1 और x = -1/1। अब x, x यहाँ पे क्या है, इसका रूट ही तो है। वैल्यू ऑफ x इज रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है। अब x की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है तो m को बच्चों नेगेटिव होना पड़ेगा, ये तो श्योर है ना, तभी मिलकर पॉजिटिव आएगा और इंटीजर भी होना पड़ेगा। तो सर फर्स्ट ऑप्शन तो आप ले ही नहीं सकते क्योंकि तो उसमें तो फ्रैक्शन आएगा, पॉजिटिव आएगा लेकिन 1/2 आएगा, वो तो रेशनल नंबर आ गया, उसमें तो इंटीजर की बात की है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, सेकंड ऑप्शन। भाई दो तो पहले एलिमिनेट हो गया, सी और डी दो, है ना। तो बी ऑप्शन इज मोर एक्यूरेट आंसर बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। अब आओ सॉरी मूल यानी होता है बच्चों रूट, है ना, ध्यान रखना। चलो करो इस क्वेश्चन को, अब कर पाओगे तुम सारे बच्चे, मुझे पता है। बी देखो, जो एफ अल्फा की वैल्यू देखो, एफ अल्फा और f1/अल्फा में चाह रहा है कि जीरो आ रहा है नॉन जीरो आ रहा है, तो हमें रखना रखना पड़ेगा वहां पर, है ना। अच्छा इसने बोला इसका एक रूट अल्फा है, मींस एक्स को अल्फा से रिप्लेस करने पर वो जीरो के बराबर आ रहा होगा ना, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस 5 अल्फा स्क्वायर
प्लस 5 अल्फा प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 0 आ रही है। अब 1 अपॉन अल्फा को चेक कर लेते हैं, तो 1 अपॉन अल्फा क्यूब, 5 अपॉन अल्फा स्क्वायर, 5 अपॉन अल्फा प्लस 1, इसका एलसीएम ले ले। तो उसको एक बार अपन 0 के बराबर रख के चेक कर, चले काम करते हैं, एलसीएम ले लो पहले, फिर चेक करते हैं। तो 1 प्लस 5 अल्फा, 5 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, हाँ ये वैल्यू किसकी निकाली हमने? ये हमने सर एक्स को 1 अपॉन अल्फा से रिप्लेस किया। अब इसको देखो बच्चों, जो न्यूमरेटर है ना वो तो ये रहा, और ये तो बिकम्स 0, 0 अपॉन समथिंग 0, तो यानी कि 1 अपॉन अल्फा रखने पर भी 0 वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भाई एफ अल्फा 0 होगा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन ने दे दिया। 1 अपॉन अल्फा रखने पर भी 0 होगा, ये हमने पता कर लिया, खत्म बात। ठीक है, रिपीटेड रूट है ना, क्या बोल रहे हैं बच्चों? रिकरिंग रूट। तो बच्चों देखो, पास्कल ट्रायंगल ध्यान रखो तुम, है ना, बहुत आसान है। बाइनोमियल थ्योरम में मैंने पढ़ाया था, फिर भी देखो, 1 1 1 बच्चों वाला है ना, एक और एक दो एडिशन बीच में लिख दो, 1 3 3 1 एडिशन बीच में, 2 और 1 3, 2 और 1 3 है ना, 3 और 1 4, 6 4 1, और इनको याद भी कर लो बच्चों, इनको पैलिंड्रोम नंबर्स बोलते हैं अपन। उल्टा सीधा पढ़ने पर एक समान होते हैं। 1 2 1 1 2 1, 1 3 3 1, 1 3 3 1, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल कोफिशियंट में भी काफी हेल्प करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी काफी हेल्प करते हैं, जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं ना। तो ये सब 11 की पावर्स भी होती है, देखो ये 11 का स्क्वायर हो गया, ये 11 का क्यूब हो गया, 1 3 3 1, ये 11 की पावर 4 हो गई। तो एक्चुअली क्या है कि ये छोटी छोटी बातें क्वेश्चन को स्ट्राइक करवाने में हमारी हेल्प करती है बच्चों। कैसे? अब हमने क्या करेगा, 1 3 3 1 क्या होल क्यूब बन सकता है? बनेगा नहीं बनेगा वो कमिटमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे भाई। किसी के कोफिशियंट अगर 1 3 3 1 दिख रहे हैं तो अंदर से आवाज अपने आप आ जाएगी, यार तो होल क्यूब बन सकता है। जब किसी के कोफिशियंट 1 4 6 4 1 तुम्हें दिखे, तो तुम्हारे अंदर से आज के बाद एक आवाज आएगी, यार पावर 4 हो सकती है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो बन रहा है एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, डी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बात समझ रहे हो तुम? हाँ अब इस क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ इक्वेशन का एक रूट 3 प्लस रूट 5 आयोटा है ना, देन रियल रूट बताओ। तो क्या है? तो सारे रियल, तो अपने को वो 11th 12th वाले तरीके पे जाने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। इसने पूछा इसका रूट बताओ, रूट ऑप्शन में है, तो मैंने बहुत बार तुम्हें बोला अगर रूट ऑप्शन में है तो हम क्यों माथाफोड़ी करें ना, हम पहले ऑप्शन से स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी सेटिस्फाई कर रहा होगा वो आंसर है। यानी कि रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस, इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। इससे मतलब तब होता है जब ऑप्शन नहीं होते, ऑप्शन है तो सर हम ऑप्शन से सेटिस्फाई कराएंगे, वो कन्वीनियंट वे होगा हमारे लिए। बताओ। हाँ क्या हुआ गुंजन उड़ा? मैसेज रिट्रैक्टेड, क्या क्या लिख रही है? ये आ गया क्या सभी का? चेक करना एक बार, सारे बच्चे एक्स की जगह 3 रख के देखो। जितने बच्चे लाइव हैं सारे रिप्लाई किया करो। हाँ सम ऑफ रूट से कर लो। अब ये क्वेश्चन का आंसर अगर तुम नहीं दो तो फिर अच्छी बात नहीं लगेगी मेरे को ना। इस क्वेश्चन का आंसर आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट है ना। बताओ ये क्वेश्चन याद हो जानी चाहिए, हो गई याद तुम्हारे को? बताओ बच्चों, मैं एक ही कॉन्सेप्ट पर अगर 2 3 एग्जांपल्स हम कर लेते हैं तो बच्चों आई थिंक
अब तुम वापस इसको फेयर को भी मैं इन सारे क्वेश्चंस को करोगे वापस वाईडी सेशन देख के, सब बच्चे दोबारा देखा करो सेशन को, है ना, प्लेबैक इस पे बढ़ा के, है ना। यस 1 2 3 रूट्स होते हैं सर, तो जरूरत नहीं मैं तो वैल्यू रखने की भी आवश्यकता नहीं है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है बच्चों। देखो इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, 5/2, ठीक है, अल्फा बीटा निकाल लो 7/2। अब इक्वेशन तुम्हें निकालनी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आई एम वेरी वेरी श्योर कि जब इसका एलसीएम लोगे तो मल्टीप्लीकेशन करोगे वो रिजल्ट डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर भी सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में डेटा बन रहा होगा, उनके कोफिशियंट सेम आ रहे हैं, जैसे 13 अल्फा बीटा आ गया तो 13 तुमने हटा दिया, अल्फा बीटा तुम्हारे पास सही, या 10 अल्फा प्लस बीटा आ रहा होगा तो 10 हटा दिया, अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास सही, तो सम और प्रोडक्ट फॉर्म में तुम्हारे पास डेटा 100% आ रहा होगा। करो इसको सॉल्व करो एक बार। बी आ रहा है सबका, पक्की बात है, चलो आई कैन ट्रस्ट बच्चों ना, कर लोगे ना बात, समझ गए ना क्या करना है। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें ऐसा करवाया था, जीपी वाला क्वेश्चन करवाया था आज, है ना, एप्लीकेशन में करवाया था ना। देखो इक्वेशन के रूट्स एपी में है, किसमें, समांतर श्रेणी में, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स, अब याद करो जो मैंने जीपी वाला क्वेश्चन करवाया था उसका आंसर आया था 1/2, 1/4, है ना। तो मैंने बोला था कि ऐसे क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं, हमें कोई प्रॉपर इक्वेशन बनाकर सॉल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है ना। तो सर सम ऑफ रूट शुड बी 12, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, सम ऑफ रूट 12 आना चाहिए सर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 28 आना चाहिए, बहुत है इतना, तो 1 4 7, है ना। अब 1 × 4 + 4 × 7 + 7 × 1, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा, अल्फा भी चेक कर लो, 39 आ रहा हो, है ना, बात समझ गए। तो बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इजीली बच्चों ना। तो विच ऑप्शन, तो 1 4 7, तो 3 आंसर आ गया तुम्हारा, समझ गए कि बात को। वेरी क्लियर, चलो तो बच्चों ना ये बातें अपन, अच्छा एक ये डेस्कार्डेज रूल का एक थोड़ा सा ये करवा देता हूँ तुम्हारे को ना, अधिकतम ऋणात्मक मूलों की संख्या, है ना, एट मोस्ट नेगेटिव रियल रूट्स, ये कर लो बच्चों ना, ताकि डेस्कार्डेज रूल का एक और क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बताओ तो नेगेटिव रियल रूट्स के लिए मैंने क्या बोला था, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं सबसे पहले, तो माइनस एक्स की पावर 9 प्लस, इसके पास फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस एक्स क्यूब माइनस 7x + 2, तो 1 2 3, तो 3 आंसर आएगा। पॉजिटिव की बात करता तो 1 2, है ना, तो 3 तो नेगेटिव हो गए, 2 पॉजिटिव हो गए, अब कितने बचे, टोटल 5 रियल रूट हो गए, 4 बचे ना, क्योंकि टोटल 9 होने चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स कैन बी 4 अगर पूछता तो, है ना। क्या बोलते हैं, काल्पनिक न्यूनतम काल्पनिक मूलों की संख्या, काल्पनिक मूलों की न्यूनतम संख्या 4 होगी, अधिकतम पॉजिटिव रियल रूट्स 2 होंगे, नेगेटिव रियल रूट्स 3 होंगे, ठीक है, बात जितनी तुम्हारे कोई समस्या नहीं है।
चलो बच्चों, आज के लिए काफी है, ठीक है। राधे राधे, जय श्री श्याम। आई होप तुमने सारे YT सेशन कंप्लीट कर दिए होंगे बच्चों। 1 तारीख से तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है ना। बैचेस की टाइमिंग्स एप्लीकेशन में भी इंक्रीज हो जाएगी और YT पर भी सेशन बढ़ने लग जाएंगे। तो अभी भी तुम्हारे पास 2-3 दिन का टाइम है। जिन बच्चों ने अभी तक कवर नहीं किया है, वो थोड़ा ज्यादा ज्यादा सेशन देखे। अब तक के जितने YT सेशन हो चुके सब देख डालना बच्चों, ना एप्लीकेशन को भी देख डालना। राधे राधे, जय श्री श्याम। यस, इंग्लिश में मिल जाएगा, एंड आउट, डोंट वरी, है ना। प्लीज शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन बच्चों, ना शेयर भी कर दिया करो साथ के साथ।